आज हम बनाएंगे इडियप्पम। हाई फ्लेम पर कढ़ाई रखी है, इसमें 2 कप पानी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। पानी बॉईल हो गया है, इसमें 2 कप चावल का आटा डालेंगे। गैस की फ्लेम बंद करेंगे, मिक्स करेंगे। मिनट लीड लगाकर रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आटा प्लेट में निकाल लेंगे। आटा प्लेट में निकाल लिया है, हाथ आटे की गर्मी सह सके इतना आटा गर्म है। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आटा गूंथ लेंगे। महाराष्ट्र के कोकण रीजन में भी ये रेसिपी की जाती है, उसे शिरवाड़े कहते हैं। आटा लगकर रेडी है, इडली प्लेट को तेल लगाएंगे। इडियप्पम करने के लिए मोल्ड लिया है, हम छोटे होल वाली जाली का उपयोग करेंगे। मोल्ड को तेल लगा लेंगे। मोल्ड में आटे का एक गोला डालकर मोल्ड बंद कर लेंगे। ग्रीस किए हुए इडली प्लेट में इडियप्पम बना लेंगे। ये इडियप्पम आप चटनी, कुरमा, करी या गुड़ डाले हुए नारियल के दूध के साथ खा सकते हैं। इस तरह सारे इडियप्पम बना लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीमर में पानी बॉईल कर लिया है, इसमें इडली प्लेट रखेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लीड लगाकर 10 मिनट स्टीम करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हेल्दी और टेस्टी इडियप्पम रेडी है।